नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल फॉर्म है, इनका ना मुझे सवाल पता ना इनकी एज पता, क्योंकि इन्होंने अपने सवाल और अपनी एज लिखे ही नहीं। बट मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जो लिखा मिलेगा मैं सब कुछ बताऊंगा कि समस्या आई है तो कैसे आई है, क्या उसका निवारण होगा, किस किस एज में नुकसान हुआ है। आपके बिना सवाल और बिना आपकी एज जाने मैं आपका विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके फॉर्म का एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपके हाथ में आपका शुक्र का चित्र देखा जाए तो देखिए, आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मैं ज्यादा देख पा रहा हूँ, काफी अच्छी अवस्था में देख पा रहा हूँ। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जब जब और जहां जहां और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। आपने बचपन में अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या टीन एज में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अब उस समय आपको उस इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा लाभ मिलने वाला रहा होगा। ऐसे थी 20s में इन्वेस्टमेंट करें, 30s में करें, 40s में करें, बट जब जब और जहां जहां जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे खासे फायदे को देखने को मिलने वाले होते हैं। शुक्र पर ये रेखा आपको बहुत सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी। ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, ये आपको समस्या देने वाली रहेंगी। मंगल से ये रेखा राहु रेखा की इशारा करती है, क्योंकि ये आगे चल के राहु के क्षेत्र तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु दोनों के दुष्प्रभाव रेखा दे रही है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो पूरी नहीं मिलती है, वो देरी से मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एग्रेसिव ज्यादा होता है, संयम की कमी होती है, धैर्य धीरज नहीं रख पाता व्यक्ति, और जीवन में जब जब और जहां जहां और जैसे जैसे ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, उसमें व्यक्ति को नुकसान ही होने वाला होता है। तो मंगल पर ये रेखा आपको बहुत सारे नेगेटिव लाभ देने वाली रहेगी। इसके रेमेडीज मैं आपको जरूर से जरूर पहुंचा दूंगा। ये कहीं ना कहीं आप बुढ़ापे के अंदर आपकी शारीरिक क्षमता में भी कमी लाने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर नुकसान खाने वाला होता है, और झुककर चलना, कमर दर्द होना, बैठ लगाकर चलना, शरीर का साथ देना, थोड़ा सा काम करके थकान महसूस जाना, इस तरह के योग आपके हाथ में इस मंगल द्वारा बनने वाले रहेंगे। मंगल आपके हाथ में नेगेटिव अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। ये आपके हाथ के गुरुदेव बृहस्पति, यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मुझे दिख रही है, ये गुरु वाले की इशारा कर रही है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जरूर जाता है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं की तरफ जाता है, व्यक्ति गुप्त विद्याओं से आकर्षित होता है अपने जीवन में। तो ये योग भी मुझे आपके हाथ में बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद ये आपका हाथ का शनि का क्षेत्र, शनि पर आप देख पा रहे हैं वी साइन बहुत सारे सारे अच्छे खासे बनते हैं। बुढ़ापे के लिए आपका हाथ बहुत अनुकूल है, बुढ़ापे में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति वाहनों पर लिमिट पैसा खर्च करना चाहिए, अगर वाहनों पर ओवर में या फिर अनलिमिटेड पैसा खर्च करते हैं तो भी व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति धर्म का साथ नहीं देते हैं, शनिदेव देखिए कर्म फल दाता कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर कर्म अपने बुरे लगता है, कर्मों में अशुद्धता होती है, कभी किसी को धोखा देते हैं, बद्दुआ देते हैं, अनावश्यक झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, तो फिर बुरा समय आने में देर नहीं लगती। अगर कर्म साफ रहेंगे, शनिदेव की असीम कृपा मिलेगी, और ऐसे व्यक्ति का पूरा भाग्योदय बुढ़ापे के अंदर होने वाला होता है। अगर कर्म साफ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का पूर्ण भाग्योदय शनिदेव की साढ़साती ढैया में भी होता है। देखिए, आजकल लोगों ने ये बना रखा है कि शनिदेव की साढ़साती ढैया में नुकसान ही होगा। देखिए, नुकसान उनको होता है साढ़साती ढैया में जिस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए होते हैं, जो कि साफ मन वाला होता है, साफ दिल वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की शनिदेव की साढ़साती ढैया बहुत आनंद में, बहुत लाभ में जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति कोई बुरे कर्म नहीं करेगा तो कर्मों का दंड भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो यदि आपके कर्म साफ रहते हैं फिर आपको शनिदेव के दुष्प्रभाव एवं प्रकोप का सामना नहीं करना रहेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी शिक्षा रेखा आपके हाथ में मौजूद है। देखिए, ये इस बात की इशारा नहीं करता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं है, अनपढ़ लोगों के हाथ में भी रेखा पाई जाती है। देखिए, शिक्षा रेखा का मतलब पढ़ाई से बिल्कुल नहीं होता, शिक्षा रेखा का मतलब होता है ज्ञान से। इस रेखा की वजह से या फिर इस रेखा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति अच्छे एडवाइजर, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर होते हैं। आप जब भी किसी को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, वो हमेशा उनके काम आएगी। आपकी दी गई एडवाइस कभी भी विफल नहीं जाने वाली रहेगी। ये आपके हाथ में सूर्य की स्थिति मुझे दिखा रही है। सूर्य पर आएंगे, ये आपके हाथ की सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा नीचे से दो भागों में टूट गई है, तीन भागों में टूट गई है। देखिए, सूर्य रेखा का तीन भागों में टूटना इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देव की असीम कृपा को पाने वाले होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपने पिता की सेवा करते हैं तो लाभ मिलता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य काफी अच्छा, काफी मजबूत, काफी जल्दी होने वाला रहता है। इस तरह के पूरे योग, अच्छे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ रेखाओं के द्वारा। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र, बुध पर आप देख पा रहे हैं 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है 100% संकेत जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी, बहुत मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करके काफी बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में ध्यान दें तो काफी जल्दी बड़ा भाग्योदय होने वाला रहता है।
देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा देखिए, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत अच्छे लोगों को मैनेजमेंट करने का जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में जाए तो कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल या फिर एचआर लेवल तक तो पहुँच ही जाते हैं। ये आपके हाथ में, मैं आपकी बुद्ध रेखा द्वारा योग देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है, ये समझदारी को इशारा करती है। समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर भावनाओं में अगर आकर गुस्से में आकर कभी निर्णय नहीं लेने वाला रहता। यहाँ पर अगर आएंगे, ये आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल आपके हाथ में ठीक ठाक अवस्था में, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, ये दिक्कत है, ये परेशानी आपको देंगी ही देंगी, 100% देंगी। भारी मंगल पर ये रेखा बिल्कुल चीनी होती है। ये आपको समस्या किस रूप में देंगी, ये आपको समस्या देंगी आपके जीवन में कि आपको अपने जीवन में आप मान के चलिएगा कि आपको गुप्त शत्रुओं से भय हानि होने के योग बनेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ता है। और देखिए ये क्या इसके दुष्प्रभाव मिलते हैं कि आपने जो दुश्मन बनाए हैं, आपके जो शत्रु होंगे वो काफ़ी अच्छे किस्म के होंगे। मतलब वो अपने फायदे से ज़्यादा आपका नुकसान देखने में ज़्यादा खुश होंगे। एक बार को आप उनका फायदा ना हो लेकिन आपका नुकसान हो जाए, इसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी। व्यक्ति के शत्रु उस व्यक्ति का नुकसान काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी में जाने के योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ये रेखा आपको दुष्प्रभाव नहीं देगी, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लड़ाई झगड़े करता है तो समस्या आती है। लेकिन अगर आप इस बात को एक एडवाइस के तौर पर लेंगे तो भी समस्या आपको किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर आएंगे, ये आपके हाथ का चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र का क्षेत्र ठीक ठाक है। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार आ रही है, बुध की रेखा है। बुध की रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है। ये आपको व्यापार में आगे बढ़ाएगी, उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। ये रेखा आपको मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी देने वाली रहेगी। ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक है, लेकिन देखिए समस्या कहाँ आ रही है आपके हाथ में। जो मैं मेजर समस्या देख पा रहा हूँ आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रवृत्ति आपकी काफ़ी सही है। देखिए, मैं इतना देख पा रहा हूँ कि आपने अपने जीवन में एक या दो बार या उससे ज़्यादा बार, देखिए मुझे आपके सवाल नहीं पता ना आपकी उम्र पता, उम्र पता होती थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने अपने जीवन में एक से दो बार बड़े बड़े नुकसान देखे हुए हैं। बड़ा बड़ा फाइनेंशियल लॉस, बड़े बड़े लेवल पर सेहत खराब होना या फिर बड़ा नुकसान होना, बड़ी लेवल पर परिवार में संकट दिक्कत आ जाना, ये योग मैं आपके हाथ में भाग्य रेखा पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए भाग्य रेखा में बड़े बड़े कट लगे हैं, छोटे मोटे कट नहीं है, बहुत बड़े कट हैं। ये राहु रेखा है। राहु आपके हाथ में मारक अवस्था में, अगर आपको जीवन में जो भी समस्या आएगी, चाहे सेहत को लेकर आए, चाहे पैसे के नुकसान को लेकर आए, चाहे वैवाहिक जीवन में समस्या हो, चाहे पारिवारिक जीवन में समस्या हो, वो केवल और केवल आपको राहु की वजह से आएगी। आपके हाथ में राहु मारक अवस्था में, वो नेगेटिव अवस्था में देख पा रहा हूँ, ये समस्या आपको अपने जीवन में रहेगी। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा में भी दिक्कत है, परेशानी है। हृदय रेखा आपके हाथ की काफ़ी ज़्यादा डार्क मुझे दिख रही है। देखिए, ऐसी हृदय रेखा दिक्कत देती है। क्या आप जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे वो लौट कर नहीं आएगा, उसमें आपको समस्या रहेगी। इसके अलावा ये जो हृदय रेखा है आपके हाथ में, ये आपको इसके अलावा इमोशनल हर्ट भी देगी। ऐसा व्यक्ति ओवर इमोशनल होता है। जब भी किसी भी रिश्ते में, चाहे वैवाहिक जीवन में, चाहे मित्रों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, जब भी आप ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तब तब आपको नुकसान होने वाला रहेगा अपने जीवन में। तो ओवर एक्सपेक्टेशन से नुकसान है। किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको 100% चांसेस तो नहीं कह सकता, 99% चांस कह सकता हूँ डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को शुगर का इंटेक नहीं करना चाहिए, शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का छोड़ देना चाहिए। अपने घर में गुड़ और खांड जो होती है उसका सेवन ज़्यादा कीजिए, तब आपको लाभ मिलेगा। और ऑयली फूड बाहर का तला भुना छोड़ दीजिए। सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, तब आपको हेल्थ इशूज कम आएंगे और जो आएंगे वो इतने बड़े लेवल पर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होगी कि आप उन्हें झेल जाएंगे। मस्तिष्क आपकी सही है, हाथ की सही है, डायरेक्ट मंगल तक पहुंच रही है। देखिए, बाहरी मंगल तक जाने वाली मस्तिष्क का क्या दिखाती है, मस्तिष्क आपका दिमाग स्तर दिखाती है। आपका दिमाग स्तर अच्छा है, आप अपने जीवन जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ लेते हैं, उन पर सफलता अर्जित करते हैं। ये आपके हाथ का मुझे दिमाग स्तर या फिर दिमाग की रेखा दिखा रही है। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा सही है, लेकिन देखिए जैसे आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकली और फिर इस प्रकार टूट गई, ये इसमें मिल गई, जीवन रेखा मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस प्रकार ऐसे होती तो हम कह सकते थे कि जीवन रेखा अच्छी मजबूत है। बट देखिए, जीवन रेखा तो निकली यहाँ पर है, इतनी चली टूट गई, फिर यहाँ से चली इसे टूट गई, तो ये कोई जीवन रेखा नहीं होती, ये समस्या देने वाली रहेगी। ये मान सकते नेगेटिव जीवन रेखा है। जीवन रेखा जब बेकार हो या फिर कच्ची हो या उतना प्रभाव नहीं दे रही हो तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं। एक मंत्र होता है, उस मंत्र का आपको जाप मैं आपको करने के लिए कहूँगा, वो आपको हमेशा करना रहेगा। और वो महादेव का मंत्र होता है, महादेव का जीवन मंत्र, जीवन दान मंत्र, अमृत मंत्र होता है। उस मंत्र का जाप करने से आपको भाग्योदय होगा, आपको काफ़ी अच्छे खासे लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे।
तो मैंने आपके पांच कंसेस पूरा कर दिया। आपके पांच हेलेट ये है कि जीवन रेखा में दिक्कत है, राहु रेखा बहुत ज्यादा है, तो समस्या है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अभी तक जितनी भी आपकी एज है, आप अभी तक बड़े लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं और सफल नहीं हो पाए हैं। नुकसान आपको जीवन एक से दो बार बड़े बड़े गए हुए हैं, चाहे हेल्थ को लेकर हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। उसकी रेमेडीज आपको दी जाएंगी, रेमेडीज कर दिए आपको लाभ मिलेगा। और समस्या आ रही है तो बड़े फिर बड़े रूप में नहीं आएंगी, समस्या छोटे रूप में आएंगी, आप उन्हें सुलझा लेंगे। तो मैं आपको वीडियो देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा ध्यान से। देखिए, मेरे पास टाइम नहीं होता, हम टाइम के थोड़े अभाव में रहते हैं, समय का अभाव हमें हमेशा रहता है, तो हम आपको रिव्यू नहीं ले पाएंगे। आप हमें रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ये लिख दीजिएगा कि आप मुझे जीवन रेखा का मंत्र बता दीजिए और राहु रेखाओं का जो रेमेडीज रहती है, अपने डाउट, अपनी क्वेरी, जो कोई क्वेश्चन रहेगा वो लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।